हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। स्वागत है आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लास 7 सेकंड परख दोस्तों, सेकंड टेस्ट और इसके दोस्तों सब्जेक्ट मैथ है। इस सब्जेक्ट के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के दोस्तों आपको आंसर बताने वाला हूँ। स्वागत है, एकदम से सटीक एंड सही आंसर आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। मैं आपको जिसके इसका जो आंसर बताऊँगा आप इसको टिक कर सकते हैं। पहले के अंदर दोस्तों देख सकते हैं, पहले का जो आंसर होगा वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये बी होगा दोस्तों पहले के अंदर। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका फिर से बी होने वाला है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है इसके अंदर बी 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 होगा। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों क्वेश्चन के अंदर बी होगा आपका आंसर। और गाइस उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन के अंदर आप इसको यहाँ पर जीरो बीच में आ गया, जब भी जीरो से गुणा होता है तो वो जीरो हो जाता है। सो गाइस चौथे के अंदर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों पाँचों देखिए, ये दोस्तों पाँचों ये जो दिया हुआ है तो गाइस यहाँ पर पाँचों क्वेश्चन के अंदर आपके ए हो जाएगा, ए का आएगा दोस्तों। इसको आप जैसे ही हल करेंगे तो गाइस आप इनको टिक लगा लें। यहाँ पर दोस्तों छठे के अंदर आपका डी आने वाला है। उसके बाद गाइस देखिए सातवां क्वेश्चन है, तो सातवें क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो मिक्स पिन कौन सी है दोस्तों, मिश्रित पिन कौन सी है, तो गाइस यहाँ पर आपको पता है ये मिश्रित पिन है। तो गाइस सातवें के अंदर आपका फिर से डी हो जाएगा। और आठवें के अंदर भी आपका क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे है, 2×5/3, तो 5 यहाँ पर 10/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो नवा क्वेश्चन है, नवे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, बी वाला। और दसवें का दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो यहाँ पर सी हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं, ग्यारहवें क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा। सो गाइस यहाँ पर आपका जो ग्यारह क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों बारहवें क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, सो गाइस बारहवें क्वेश्चन का हो जाएगा ए। और उसके बाद दोस्तों जो तेरहवां क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कुछ पूछा गया है, सो गाइस यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो दी गई इसका आपको बहुलक निकालना है। तो गाइस बहुलक निकाल सॉरी दोस्तों इसका जो आपको माध्यक निकालना है, तो गाइस इसके लिए आपको इन सबको जोड़ के, जोड़ने के बाद यहाँ पर आपको इन जो संख्या है इतना भाग देना है। तो भाग देने पर दोस्तों आपको ए आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर चौदह क्वेश्चन देखिए, चौदह क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, चौदह क्वेश्चन के अंदर जो संख्या बार ज़्यादा बार है उसको बहुलक बोलते हैं। यहाँ पर आपको बहुलक निकालने के लिए बोला गया है, तो चार यहाँ पर दोस्तों तीन बार आया तो इसका क्या हो जाएगा, चार यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर एक आपको दिया गया दोस्तों ग्राफ, इस ग्राफ के अनुसार आपको करना है। तो यहाँ पर पंद्रह के अंदर अपला हो जाएगा, और दोस्तों सोलह के अंदर आपका 1/2 यानी ए हो जाएगा। और गाइस सत्रह जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका क्या होगा, कितनी कितनी जो लड़कियाँ थी जिन्होंने 100 से ऊपर नंबर लिए, तो देख सकते हो दोस्तों चार है, तो चार ने यहाँ पर क्या किया है 100 से ऊपर लेके, तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इसके अंदर आपको ये कुछ दिए हुए हैं दोस्तों, सारणी दी हुई है। इसके अंदर दोस्तों आपका जो पहले क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों 18वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी। और दोस्तों इन क्वेश्चन को देखने के बाद आप मुझे इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि दोस्तों मुझे पता चल सके आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर नहीं। सो गाइस यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू दोस्तों।